हाय गाइस, एम्पावर ऑफ ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही यूनिक और बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो बस आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है भाई, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी है और इधर उधर सुनी हुई नहीं है, मैंने खुद देखा है। अगर आपको भी देखना है तो आप ये चीज देख सकते हैं। पूरी तरह से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी ही वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस, अभी मैं हूँ फिलहाल लखनऊ में, और मैं चलता हूँ दिल्ली। अब दिल्ली क्यों जा रहा हूँ, आपको वहीं से न्यूज आ रही है इंडियन रेलवे की तरफ से। तो यार, इंडियन रेलवे ने एक बहुत अच्छी चीज की है। आपको जैसा कि पता होता है कि यार, रेल वगैरह में ट्रेन वगैरह जो बोगियां होती हैं, कोचेस होते हैं, उनके अंदर सीट नंबर आपने ब्रेल में लिखा हुआ देखा होगा, 1, 2, 3, 4 या S1, S2, ऐसे करके बहुत देखा होगा, ट्रेनों में लिखा रहता है ब्रेल में। बट अभी जो NDLS, न्यू दिल्ली रेलवे, जो हमारा है डिवीजन, इधर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है जंक्शन, वहां पे यार एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। वहां पे सिंपल सा हुआ क्या कि हम लोग यार प्लेटफॉर्म खोजने के लिए बहुत परेशान होते थे। मतलब हम अगर ये समझ लो कि ब्रिज पे हैं, यानी कि पुल के ऊपर हैं, तो अब प्लेट ऊपर तो चलो हम कैसे न कैसे सीढ़ियां पा गए, किधर जाके वहां चले गए। बट अब भाई हमें मान लो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 3 पे जाना है, कौन सा 2 3 है, हम इधर ही घूमते रहते थे। अब क्योंकि यार वहां पे किधर गिरने उड़ने का तो डर नहीं है, चारों तरफ मतलब बाउंड्रियां बनी रहती हैं, पाइप लगे रहते हैं, उनको टच करके हम लोग चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट तब भी वही बात आ जाती है, एक दूसरे से पूछो भाई पे ये कौन सा प्लेटफॉर्म है। मान लो आपकी प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे गाड़ी है, ट्रेन है, तो आपको पहले किसी से पूछना पड़ेगा बार बार कि यार प्लेटफॉर्म नंबर 10 कौन सा है, प्लेटफॉर्म नंबर 10 कौन सा है। तो इन समस्याओं को शायद अब आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं करना पड़ेगा, अगर आप ब्रिज पुल पर पहुंच गए हैं तो। वो कैसे, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं चलता हूँ न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, और वहीं पे आपको सारी चीजें बताऊंगा, और वहीं पे आपको लाइव शो करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए, मेरा एक वीडियो क्लिप है, इसके आगे मैं जोड़ रहा हूं, तो यहां पे आप सारी चीजें देखिए। हाँ, तो क्या होता है कि भाई सिंपल सा अच्छी बात है कि हमारा जो पाइप होते हैं, यानी कि ब्रिज के ऊपर जो पाइप लगे होते हैं, जैसे कि हम टच करके चलते हैं, अपने घर वगैरह में देखते होंगे स्टेप्स जो होते हैं, उनके किनारे किनारे में एक पाइप लगी होती है। तो वहां जैसे रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही किनारे किनारे पाइप लगी है। तो भाई उन पाइप पर अब ब्रेल में लिख गया है प्लेटफॉर्म, और दोनों साइड, क्योंकि आपको पता है जैसे कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हो तो एक साइड 2 होगा, तो एक साइड 3 नंबर होगा। तो ऊपर पुल पे उतरते समय आपको अगर पाइप को अगर आप टच करके, जो उसकी बाउंड्री होती है उसको टच करके चलोगे, तो आपको हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे, मतलब ऊपर से नीचे आने में कम से कम आपको 4 5 जगह लिखा मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 2। किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हो तो प्लेटफॉर्म नंबर 3, प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो ये आपको देखने को अब मिल जाएगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो ये बहुत अच्छी चीज है इंडियन रेलवे की तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि अगर पूरे इंडिया के स्टेशन पर अगर ऐसा हो जाए तो एक समस्या तो विजुअली इम्पेयर्ड की समाप्त हो जाएगी, कि किसी से प्लेटफॉर्म नहीं पूछना पड़ेगा अगर हम पुल ब्रिज तक पहुंच गए हैं तो। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है हम सभी लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएं तो ये चीज जरूर देखना, और नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये चीज दिखाई दिया या नहीं दिया है। और चलिए, मैं न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर चलता हूँ, और मैं भी देख लेता हूँ वहां पे क्या सीन है क्या नहीं है, तो मुझे भी पता चल जाएगा। वैसे तो मैंने देख लिया है, बट इस बार लाइव चलता हूँ, तो मैं बस चलता हूँ और बैठता हूँ अपनी ट्रेन पर, पहुंचता हूँ न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। गाइज, अभी मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड को पहचानना है प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है, तो जैसे ही पुल के नीचे उतरे गए, ये पाइप है और यहाँ पे अपना हाथ प्रेस करके देख सकता है, ये लिखा है प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो ये बहुत ही अच्छा है एक विजुअली इम्पेयर्ड। तो यार, आप लोगों ने देख लिया कि मैंने ये लाइव आपको दिखा दिया अपने कैमरे के माध्यम से, कि न्यू दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और उसमें ऐसा शॉर्ट जैसा वीडियो बनाया ताकि मैं
अपने शॉर्ट्स पर भी अपलोड कर सकूं। तो बस मजा आ गया और उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कैसे पाइप में जो स्टील होता है, स्टील से लिखा हुआ है वो, मतलब मिटने के भी कोई डर वगैरह नहीं है। तो इस तरीके से आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही इंफॉर्मेशन न्यूज टेक्नोलॉजी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ किसी एक और नए ब्रांड वीडियो के साथ में।